वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। जैसे मैंने हिंदी के पेपर में एनालिसिस किया, 70-80% पूरे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, चाहे सेट नंबर ए हो, बी, सी, डी, ई, फिर एफ, कोई भी आपका पेपर का सेट हो, 70-80% टोटल क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। एंड हमें फोकस करना है अपने क्वेश्चन बैंक पे। ऑलरेडी इसका वीडियो नंबर फर्स्ट अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। एंड ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, हम कवर करेंगे अध्याय नंबर 2, बहुपद से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर का कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर सन की ओर चलते हैं, तो इधर लिखा है 2023। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, सर आप ओल्ड क्वेश्चन बैंक से क्यों पढ़ा रहे हो, नए से पढ़ाइए ना। हाँ, आपने सही बोला, मार्केट में क्या है बेटा, 2023 को 24 करके बेचा जा रहा है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। आप 2023 का क्वेश्चन उठा लो चाहे 24 को उठा लो, दोनों सेम है। इसलिए मैंने 23 का ही क्वेश्चन बैंक सही समझा, क्योंकि 23 के क्वेश्चन बैंक से पहले भी मैं बच्चों पढ़ाया था एंड उनके एग्जाम्स में नंबर बहुत अच्छे आए थे। इस क्वेश्चन बैंक मैंने पहले भी यूज कर चुका हूं, तो मुझे पढ़ाने का बहुत अच्छे से तरीका भी है। क्या होता है ना कि इंसान जिस किताब से पढ़ता है पढ़ाता है, वही किताब उनको अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने 24 का नहीं उठाया। ठीक, तो फाइनली हम सीधे जंप करते हैं अपने बहुपद में। बहुपद वाले चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। मतलब ये काफी वेटेज वाला चैप्टर है। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 10 नंबर तुम्हारा फिक्स है, चाहे तुम्हारा कोई भी सेट क्यों ना हो। और अगर आपने अभी तक अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नहीं देखा, तो प्लीज जाकर के देख लो, आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आसानी से आप प्ले लिस्ट में जाकर के और गणित के अध्याय वाले अध्याय को ढूंढ सकते हैं। ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 2 बहुपद। सबसे पहले समझिए आखिरकार बहुपद का मतलब होता क्या है। तो बहुपद मतलब सिंपल सा, कोई ऐसी आप रैखिक कोई ऐसा पद लिख दो जिसमें बहुत सारे हों, उसे कहेंगे बहुपद। अगर उसमें एक पद होते हैं तो उसे कहते हैं एक पदी। जैसे इसी को देखो एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है, इसमें कितने पद है, 1 और 2, इसमें 2 पद है तो ये द्विपदी कहलाएगा। ठीक, आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कितने पद है, 1, 2, 3, इसे भी 3 पद कहेंगे। अरे भाई, जब प्लस माइनस सिंबल लगा हो, उसके बाद अगर कोई संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई चर अचर राशि हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचपदी है। अब देखो ये तो हो गया पद, लेकिन यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और लगता है घातीय का, कि कितने घातीय है। तो जब भी घातीय बोले तो अधिकतम घात लिखा जाता है, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 4 है। देखिए 4 है ना, इसे बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद, है ना। अब घात के रूप में कंसिडर करेंगे तो जैसे इसको बोलेंगे इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो द्वि घातीय बहुपद। इस प्रकार से आपको बहुपद और घात में डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज लिखा गया है, कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, 2 पद वाले को द्विपद कहते हैं, 3 पद, ये सब मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसको हम बढ़िया अच्छे से कवर करते हैं। यहाँ पे लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से देखना, सबसे पहले आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न क्रमांक 6, कि x के पावर में क्यूब प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का भाग देने से शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, अब आपको यहाँ पर x प्लस 1 दिया है ना, तो सिंपल से इसे ऐसे कन्वर्ट करो, x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान निकालोगे तो माइनस एक आ गया। अब सिंपल सा माइनस एक यहाँ पर पुट कर दो और सॉल्व कर दो, ये देखो इसने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 0। इस प्रकार से आपको भी सॉल्व करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं थोड़ी जूम करता हूँ ताकि तुम्हारी नजर केवल और केवल आपके क्वेश्चन पे रहे, क्योंकि आपका नजर इधर उधर भटक रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक, अब सही है, अब टोटल तुम्हारी नजर यहीं पे रहेगा ताकि स्क्रीनशॉट लेने में भी तुम्हें दिक्कत ना हो और इधर उधर आप देखे ना। चलिए, बस इतना आ रहा है आपके एग्जाम में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ एक शून्य निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका शून्य उसका शून्य क्या होता है, ये वाला एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां से तो नहीं आ रहा है, आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 15, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 प्रिपेयर करना अच्छे से। शून्य निकालना है, शून्य मतलब सिंपल सा x का वैल्यू निकालना होता है, ये शून्य कहलाता है। ठीक है, कभी शून्य मतलब, शून्य मतलब समझना है, x की वैल्यू निकालना समझना। ठीक, 14 नंबर देख लीजिए, 14 नंबर क्या दिया है, p बराबर 0 और p बराबर 1 एक बार रखना है। मतलब जहां जहां आपका p का वैल्यू दिया है ना, p बराबर 0 मतलब यहां पर आप 0 लिखेंगे, बाई में यहां पे 0 लिखेंगे, और एक बार p बराबर 1 दिया है तो यहां पर एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 0 लेने पर 1 आया, 1 लेने पर 3 आया, खत्म। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है।
आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 17, गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है, इसे आपको ज्ञात करना है x² - y² - y² / 100, इसे सॉल्व करना है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 14 और 15 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न क्रमांक 19 नंबर कहेगा कि सर्व समीका का प्रयोग करना है और गुणनखंड करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है x+4, यहाँ पे लिखा है x+10, इसको सॉल्व करना है इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अरे सिंपल सा यार, इसको आप गुणा कर लीजिए ना, सिंपल सा x का करेंगे x के साथ तो x² x करेंगे 10x के साथ तो 10x, चार का एक साथ करेंगे तो 4x, और इसका 4 का करेंगे 10 का 40, मतलब इसका आ जाएगा x² + 14x + 40, लो देख लो इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी चार नंबर कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 23, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिखा रहेगा कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, एंड ये क्वेश्चंस दिया रहेगा, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, 100% एग्जाम में मार्किंग होगी, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द एक क्वेश्चन और है, ये वाला तो मैं दिखा दिया हूँ, ये वाला आप अटेंड कीजिएगा और इसका आंसर जरूर बताइएगा। आंसर बता दूं कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 11130, ये आपका आंसर है। बाकी इतना आंसर आपके में आ रहा है सॉल्व करने से नहीं, बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न क्रमांक 29। 29 नंबर क्या कहता है, सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद है, और यहाँ पर ये आपका शून्य लिखा गया है, ठीक है, इसे सत्यापित करना है। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है तीस नंबर सीधे गुणा किए बिना इसे सॉल्व करना है, जिस प्रकार से मैंने 23 और 24 नंबर का प्रश्न दिखाया था ठीक वैसे ही है, ठीक। तो देख लीजिए एक नजर, सभी सेटों में ये वाले क्वेश्चन डाले गए हैं एक एक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आना बेटा, आप इन्हें स्किप कीजिए, ठीक है। एक गुणनखंड वाला क्वेश्चन आएगा, गुणनखंड करना है, यहाँ पे लिखा है 9x² + 6xy - y² गुणनखंड करना है, ठीक है, इसे गुणनखंड करना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए जी साइड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बाकी यहां से कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 41 नंबर और 42 नंबर, ठीक है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा 41 नंबर, ये रहा 42 नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। अब एक तगड़ा क्वेश्चन जो सभी सेट में अपलोड है, वो क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात किए जबकि आपको x - 1 दिया है और ये बहुपद दिया है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये k वे छोड़ो, x - 1 है ना, तो x का मान आप x - 1 = 0 कर दो, ठीक है, तो x का मान निकल आएगा 1, निकला इतना x का मान 1 निकला है, तो यहाँ पर x जहां जहां लिखा है वहां 1 वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, तो k का मान आ जाएगा -2, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक। ये रहा आपका 100% एक्यूरेट आंसर, इतना करना है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर कहता है कि गुणनखंड कीजिए 12x² - 7x + 1, ठीक, इसका गुणनखंड करना है कुछ इस प्रकार से, तो प्लीज इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्या कहता है कि x² - 7x + 3, इसको सॉल्व करना है, तो ये रहा आपके सामने, प्लीज इसे सॉल्व कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 51 नंबर देख लो, यहाँ पर x का स्थान पर आपको a रखना है। देखो जैसे क्या लिखा है, x - a लिखा है, भाग देना है, इसे भाग से करना है, लेकिन एक तरीका और है, इसे कैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x - a = 0 ले लो, तो x = a ले लोगे, तो जहां जहां x लिया है वहां a वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। बाकी कुछ नहीं आ रहा एग्जाम में, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर, जो कि सारे सेटों में डाला गया है अथवा में, ठीक है, ये देख लो एग्जाम में आ रहा है 55 नंबर, ध्यान से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अभी तो आपने 2 नंबर वाले देखा, अब 4, मैंने सभी सेट के क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, सभी सेट के ABCDEF 6 सेट के 6 × 12 प्रश्न आपको बताए, हाँ 6 × 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं चैप्टर से, ठीक है, सभी सेटों के लिए, और फिर 4 नंबर के एक क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन यहाँ से है ना, तो भाई तगड़ा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। अब देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से आएंगे, 4 नंबर वाला पहला देखो 65 नंबर का प्रश्न, ठीक है, एक बार x के स्थान पर 0 रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2 रखना है, इसे सॉल्व करना है, यहाँ जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा आपका। एक रखने पहले नंबर पे आप 0 रखना है, फिर आपको -1 रखना है, फिर आपको 2 रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कहता है 69 नंबर, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या लिखा है, x³ - 2x² - x + 1, ठीक, इस प्रकार से आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, एंड ये रहा आपका 100% एक्यूरेट आंसर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है 70 नंबर,
सत्तर नंबर क्या कहता है कि 8x³+y³+27z³-18xyz का गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साइड करते हैं, बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर दो। बस एक दो क्वेश्चन और बचा है, ये रहा आपका 22वां नंबर। बस इस प्रकार से पूरा का पूरा अध्याय नंबर 2 ही आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 4 सेट का मॉडल प्रश्न पत्र भी आपके सामने लाया जाएगा, जल्द ही रूबरू होंगे। इतना क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है अध्याय से, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, डंके के चोट पे कहता हूं। ठीक है, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। अब जल्दी मिलेंगे एक थर्ड वीडियो के साथ, जिसमें अध्याय नंबर 3 को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, निर्देशन ज्यामिति देखेंगे, यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।